ओवैसी ने एसटी हसन का टिकट कटने पर अखिलेश को घेरा। एसटी हसन ने ओवैसी को दिया करारा जवाब। अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी के दावे पर एसटी का प्रहार। एसटी हसन ने बताया सच। सुनेंगे तो अखिलेश के खिलाफ ओवैसी की पूरी राजनीति को समझ जाएंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जब मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा नेता एसटी हसन का टिकट कटा तो उन्होंने अखिलेश को घेरने का प्रयास किया। एक तरह से इसके लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अब इसी मामले में एसटी हसन ने जो पक्ष रखा वो ओवैसी की ओर से अखिलेश के खिलाफ जो धारणा मुस्लिम समाज में बनाने की कोशिश की गई उसे उन्होंने एक तरह से ध्वस्त कर दिया। एसटी हसन ने ओवैसी को करारा जवाब दिया। हसन की बातों से तो यही लगता है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ तो एसटी हसन के टिकट कटने के पीछे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो मुरादाबाद से एसटी हसन की दावेदारी को पुख्ता करने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन आजम खान अपनी बात पर अड़े रहे। अब बहुतों के मन में यही सवाल आएगा, अखिलेश तो सपा के अध्यक्ष हैं, फिर क्यों वो आजम खान के सामने नहीं डटे। इसके पीछे असली वजह यह है कि आजम खान सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। राजनीति में अनुभव की दृष्टि से वो अखिलेश से काफी आगे हैं। इसके साथ ही आजम खान का मुस्लिम समाज के बीच अपनी पैठ है। सबसे बड़ी बात, आजम खान का अखिलेश यादव करते हैं। ये बात एसटी हसन ने भी स्वीकार की। एसटी हसन ने भी कहा अखिलेश आजम खान को सम्मान देने के लिए इस तरह के रास्ते पर चले। आइए ओवैसी की ओर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी बताने पर एसटी हसन ने क्या कहा वो बताते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी खत्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी, और इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है या जो भी बात वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुझे ए फॉर्म भी दिया, बी फॉर्म भी दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि फौरन आप अपना नामांकन करा दें। मैंने उनके कहने पर नामांकन भी करा दिया था। फिर अचानक बीच में दास डे पे ये पता चला कि एक और मोहतरमा बिजनौर से यहाँ आ रही हैं, जिनको फिर ए बी फॉर्म दे दिए गए हैं। मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई और अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, चुनाव आप ही लड़ेंगे। आखिर वक्त तक उन्होंने कोशिश ये करी। उन्होंने वहाँ से कागज़ बनवा के भी भेज दिए कि इनका निरस्तीकरण के। तो सब चर्चा यह है कि आजम खान साहब को ये लग रहा है कि उनकी मुस्लिम राजनीति आप ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, मैं कहाँ और आजम खान कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजम खान बहुत बड़े लीडर हैं और देश के लीडर हैं। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि लोकसभा में एक बार AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका टिकट काट रही है और सपा मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहती है। हालांकि उस समय मैंने ओवैसी की यह बात हंसी मजाक में टाल दी। वहीं सपा सांसद ने आजम खान से अपनी तुलना पर कहा कि आजम खान से मेरी तुलना गलत है, वो देश के नेता है। मैं मुरादाबाद से टिकट कटने पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मुरादाबाद में चुनावी प्रचार नहीं करूंगा। उसके अलावा जहां अखिलेश यादव कहेंगे वहां चुनाव प्रचार करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की कोई मजबूरी नहीं होगी जिस वजह से मेरा सिंबल निरस्त किया। वहीं सपा सांसद ने दावा किया कि आखिरी वक्त तक अखिलेश यादव चाहते थे कि मुरादाबाद से चुनाव मैं ही लड़ूंगा।